गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स बी स्टार्ट। बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड कोविड 19 रिलेटेड आइटम मे नॉट बी डिनाइड मेरली ऑन इशू ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजरल बेसिस पे कुछ लैप्स हो गए हैं तो वो उसकी वजह से जो एग्जम्पशन दिए गए हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ कोविड 19 मेडिसिन उसके ऊपर एग्जम्पशन डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये CBIC ने इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्लेरिफाई किया है ऑन इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2022 कस्टम डेटेड 27 अप्रैल। CBDT इशूड रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकल कमिटी टू डील विथ टैक्सपेयर ग्रीवांस फ्रॉम हाई सिक्योरिटी असेसमेंट। CBDT ने रिवाइज सर्कुलर इशू किया है फॉर कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकल कमिटी जो कि टैक्सपेयर ग्रीवांस के लिए काम करती है। अप्रैल GST कलेक्शन लाइकली टू रेंज फ्रॉम 1.45 टू 1.5 लाख करोड़। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये डेटा मालूम पड़ा है कि जो अप्रैल का GST कलेक्शन है वो 1.45 टू 1.5 लाख करोड़ होने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ ग्रांटेड बेल टू मदन चतुर्वेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ वीवो ग्रुप इन कनेक्शन विद 4,300 करोड़ PMC बैंक लेज फ्रॉड केस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो PMC बैंक के केस में अक्यूज्ड थे वीवो के ऑडिटर मदन चतुर्वेदी उनको अरेस्ट किया था January 23, बट उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है। नेपाल बैन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन। अभी जो श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो सेम टाइप इशू नेपाल में भी अभी चल रहे हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो नेपाल है उन्होंने लग्जरी आइटम के इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया है। 2.78 लाख करोड़ ऑफ कंपनसेशन रिलीज टू द स्टेट फॉर द ईयर 2021 इटसेल्फ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि अभी जो स्टेट्स हैं उनको देना कुछ पेंडिंग नहीं है और 2.78 लाख करोड़ अभी तक कंपनसेशन स्टेट्स को दिए जा चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। कॉटन यार्न रेट टू बी अनाउंस्ड इन मे। तमिलनाडु टेक्सटाइल मिल एक्सपेक्ट रिड्यूस्ड प्राइस। जो कॉटन यार्न के प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है कि मई में अनाउंस होएंगे और जो टेक्सटाइल मिल्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके प्राइजेस कम होएंगे। टाटा सन्स एयर इंडिया हैज़ प्रपोज टू बाई लो कॉस्ट कैरियर एयर एशिया इंडिया अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन विद द CCI। CCI में जो एप्लीकेशन किया है एयर इंडिया ने उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन मालूम पड़ी है कि जो एयर इंडिया है वो एयर एशिया को बाय कर रही है। इंडिफी टेक्नोलॉजी अनाउंसेस द अपॉइंटमेंट ऑफ रजनीश कुमार फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI एज अ एडवाइजर। इंडिफी टेक्नोलॉजी एक फिनेंशियल कंपनी है, उन्होंने रजनीश कुमार जो कि फॉर्मर चेयरमैन है SBI के उनको एज एन एडवाइज़र अपॉइंट किया। एप्पल कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक आईफोन वर्थ ऑफ 47,000 करोड़ इन इंडिया दिस फिस्कल ईयर। अभी जो गवर्नमेंट PLI स्कीम्स दे रही है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट हो रही है, तो जो एप्पल है वो मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द आईफोन इन इंडिया और ये एक्सपेक्टेड है कि 47,000 करोड़ के आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होएगी ये फिस्कल ईयर में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।